हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली स्पेशल बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो दोस्तों देखिए, ये लड्डू देखने में जितने आकर्षित लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो चलिए बिना रुके हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी घी ले लिया है और दो कटोरी बेसन है हमारा और एक कटोरी पिसी हुई चीनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे हम, तो हम ये सारा घी इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। दोस्तों, इसको हम लो फ्लेम में भूनेंगे और ये हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा बेसन घी नहीं छोड़ देता अच्छे से। दोस्तों देखिए, हमारे बेसन ने घी छोड़ दिया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए। बेसन हमारा ठंडा हो गया है। अब चलिए इसमें हम चीनी मिला देंगे। हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसको ठंडा हो जाने के बाद ही आप चीनी मिला सकते हैं। इसमें थोड़ी चीनी और डालेंगे, बाकी हम चीनी इतनी रोक लेंगे। अब इसको हम हाथ से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, लेकिन हमको बेसन का लड्डू ऐसे ही पसंद है तो हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए लड्डू हम बना लेते हैं। इसको छोटा या बड़ा जैसा भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी के सारे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे सारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। इनको आप दीपावली में जरूर बनाइए और अपनी दीपावली एंजॉय कीजिए। थैंक यू।